नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप लोग लाइव प्रूफ के साथ यहां पे देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के अंदर 88 मिलियन व्यूज आया है और जो इनके चैनल का सब्सक्राइबर इंक्रीज हुआ है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 30 दिन के अंदर 1,30,000 सब्सक्राइबर इनके चैनल पे बढ़े हैं और इनके चैनल का अर्निंग आप लोग देख सकते हैं $22,200 से लेकर $356,000 तक। दोस्तों सिर्फ ये एक महीने में इतना अर्निंग कर रहे हैं। अगर $22,000 को अगर आप लोग इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ही बड़ा रकम होता है। ये जिस कंटेंट पे काम करते हैं ना, वो भाई कंटेंट बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग कंटेंट है और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई इस तरह के कंटेंट पे कंपटीशन बिल्कुल जीरो के समान है। अभी ये न्यू ट्रेंडिंग कंटेंट है, अभी शायद ही कोई यूट्यूबर आप लोगों को बताया होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कंटेंट लेकर आ चुका हूं। अगर आप लोग इस तरह के कंटेंट पे काम करते हैं ना, तो गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपका जो चैनल है बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा और सबसे फायदेमंद चीज ये है कि भैया आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस वीडियो को क्रिएट करने में, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कॉपी पेस्ट करना है, यहां से वीडियो को लेना है और दूसरे जगह अपने चैनल पे पेस्ट कर देना है, बस ज्यादा टाइम जाम आप लोगों को नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों अब ये बात आती है कि अगर आप लोग के मन में चल रहा होगा कि कॉपी पेस्ट वाले चैनल को अगर मैं अपने चैनल मतलब कॉपी पेस्ट करके अपने चैनल पे मैं वीडियो को पेस्ट करता हूं तो मेरे चैनल पे स्ट्राइक आएगा या मेरे वीडियो में क्लेम आएगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाई कंफ्यूज रहते हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। आपके चैनल पे ना ही कोई स्ट्राइक आएगा और ना ही आपके चैनल पे कोई क्लेम आएगा। मैं आप लोगों को फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को भाई कॉपी पेस्ट वाले चैनल पे काम करना है, किस तरह से अपना वीडियो को क्रिएट करना है, किस तरह से आप लोगों को अपना एक्टिविटी ऐड करना है कि ताकि आप लोग का आगे आने वाले समय में आपका चैनल इजी तरीके से मोनेटाइज भी हो जाए और आपके चैनल पे कोई दिक्कत ना आए और आप लोग अच्छा खासा अर्निंग करें। और हां दोस्तों मैं आप लोगों को एक रास्ता बताना चाहता हूं। देखिए अगर आप लोग किसी ऐसे चैनल पे काम कर रहे हैं जो चैनल भाई मोनेटाइज नहीं हो रहा है लेकिन बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है तो उससे भी आप लोग पैसा अर्निंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उस स्पॉन्सरशिप के थ्रू कर सकते हैं। जैसे दोस्तों स्पॉन्सरशिप उन्हीं को दिया जाता है जिनके चैनल पे अच्छा खासा व्यू जाता है। अगर आपके चैनल पे अच्छा खासा व्यू जाता है तो भैया आप लोग जितने यूट्यूब से अर्निंग नहीं करेंगे उससे ज्यादा आप लोग महीने के 1.5-2 लाख तो आराम से स्पॉन्सर से भाई यहाँ पे अर्निंग कर लेंगे। तो दोस्तों दोनों तरीका मैं आप लोगों को बता दिया हूं, लेकिन ये जो कॉन्टेंट है भाई इस पे आप लोगों को कोई भी स्ट्राइक देखने के लिए नहीं मिलेगा और ना ही आपके वीडियो में कोई क्लेम देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देर न करते हुए मैं आप लोगों को ले चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आप लोगों को फुल डिटेल में दिखा देता हूं। तो चलिए फिर चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे दोस्तों अगर आप लोगों को मैं कंटेंट दिखा देता हूं उसके बाद बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि कंटेंट देखने के बाद भाई वीडियो को कट कर देते हैं क्योंकि भाई वो अपनी मर्जी के हिसाब से वीडियो को क्रिएट करने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा गलती आप लोग मत करिएगा क्योंकि अगर आप लोग ऐसा गलती करते हैं तो आपके चैनल पर स्ट्राइक भी आ सकता है और आपके वीडियो में क्लेम भी आ सकता है। दोस्तों मैं पहले ही एक्सपेरिमेंट कर लेता हूं उसके बाद मैं आप लोगों को कंटेंट बताता हूं। पहले मैं इस कंटेंट को क्रिएट करके अपने दूसरे वाले चैनल पे अपलोड किया, करीब 24 घंटे तक वहां पे छोड़ दिया, उसके बाद भी मैं चेक किया ना ही कोई स्ट्राइक आया और ना ही कोई क्लेम आया। इसलिए दोस्तों आप लोगों को स्ट्राइक और क्लेम से बचना है तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूं कि आखिर ये कंटेंट कौन सा है। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं अपने मोबाइल के अंदर यूट्यूब को ओपन करता हूं। यूट्यूब को ओपन करने के बाद यहां पे जब यूट्यूब ओपन हो जाएगा तो सर्च वाले पे क्लिक करना है, क्लिक करने पर यहां पे कैट द स्टार इतना आप लोगों को लिखकर सर्च कर देना है। अब दोस्तों यहां पे आप लोगों के सामने एक चैनल आ चुका है जो कि ये चैनल देख सकते हैं। यहां पे जो इनके चैनल का भाई सब्सक्राइबर है यहां पे देख सकते हैं 1.24 मिलियन सब्सक्राइबर है सिर्फ और सिर्फ 265 वीडियो में। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं ये इंडिया का चैनल नहीं है। जैसे कि मैं यहां पे मोर वाले ऑप्शन पे जाता हूं, मोर वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहां पे देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है और ये 2020 का चैनल, यहां पे आप लोग देख सकते हैं 27 जून 2020, ठीक है। तो ये आप लोगों को विश्वास तो हो गया कि ये विदेशी चैनल है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को वीडियो को डाउनलोड कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे आप लोग लॉन्ग वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं लॉन्ग वीडियो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप लोग लॉन्ग वीडियो डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग शॉर्ट वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, बस आप लोगों को भाई 70% तक एक्टिविटी ऐड करना है उसके अंदर, जो कि मैं आप लोग को वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, आगे चल के आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोगों को करना है कि यहां पे सबसे पहले मैं कंटेंट एक प्ले करके दिखा देता हूं। यहां पे आप लोग कंटेंट देखिए कितना तगड़ा कंटेंट है, यहां देखिए कितना बेहतरीन कंटेंट है, मजा आ जाता है। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो नेट है वो थोड़ा वीक चल रहा है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ दूसरा वाला दिखा दूँ, यहाँ देखिए देखिए कितना बेहतरीन कंटेंट है, यहाँ देखिए देख सकते हैं सभी का सभी, यहाँ देखिए ये वाला कंटेंट अभी हंसने लगेंगे आप लोग, यहाँ देखिए ये मना कर रहा है, मजा आता भैया ऐसे ऐसे कंटेंट। अब ये जो कंटेंट है ना
ये जो कंटेंट है भाई, कोई भी बंदा अगर देखेगा ना तो भाई पूरा वाच करेगा। पूरा वाच करने की तो छोड़ दीजिए, 10 बार इस वीडियो को देखेगा। और आप लोग को भी भाई ये कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा, फनी टाइप का कंटेंट है। और भाई सबसे बड़ी बात है, विदेशी चैनल है। और आप लोग को पता ही होगा कि विदेशी चैनल से भाई जो बंदा कॉपी करके अपने चैनल पर अपलोड करता है एक्टिविटी ऐड करके, उसका चैनल बहुत ही तेजी से ग्रो होता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है प्लस पॉइंट कि इस चैनल पर ना ये जो कंटेंट मैं दिखा रहा हूँ इस पर कॉम्पिटिशन बिल्कुल जीरो के समान है। अभी कॉम्पिटिशन है ही नहीं, मतलब अभी किसी ने बताया ही नहीं होगा, शायद ही कोई यूट्यूबर होगा जो बताया होगा, लेकिन मैं तो अभी यहाँ पे ट्राई नहीं किया हूँ कोई यूट्यूबर मतलब बताया कि नहीं बताया, लेकिन आप लोग ट्राई कर भी सकते हैं। कोई यूट्यूबर आप अभी तक आप लोगों को इस कंटेंट के बारे में नहीं बताया होगा। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो आप लोग अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड मैं करने का तरीका भी बता देता, लेकिन ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, ठीक है? तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब पर सर्च करिए कि यूट्यूब का वीडियो डाउनलोड कैसे करता है, वो ऑटोमेटिक आप लोगों को बता देंगे। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट डाउनलोड करने के बाद कट कर देना है। कट करने का अब आप लोगों को अपना एक्टिविटी ऐड करना है, तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को एडिटिंग वाले ऐप की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को भाई काइनमास्टर के अंदर ही बताता हूँ, क्योंकि काइनमास्टर 95% लोग यूज करते हैं। और भाई छोटे क्रिएटर हो या बड़े क्रिएटर हो, सभी के सभी लिए वो इजी ऐप हो जाता है, मतलब आसान तरीके से एक नेक्स्ट लेवल तक वीडियो एडिट करके दे देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने मोबाइल के अंदर काइनमास्टर को ओपन करता हूँ। काइनमास्टर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग को सामने देख सकते हैं कुछ इस तरह का आइकन दिखाई देगा। अगर आप लोग को इस तरह का नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पे होम पे रहेगा तो इस तरह का आइकन दिखाई देगा। तो आप लोग को नीचे क्रिएट वाले पे क्लिक करना है, फिर ऊपर क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन आ जाएगा नाउ का, वहां पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने यहां पे आप लोगों से रेशियो चॉइस करने के लिए बोलेगा, तो आप लोग को शॉर्ट वीडियो पे पहले काम करना है, लॉन्ग वीडियो पे बाद में काम करना है। अगर शॉर्ट वीडियो पे अगर आपका वायरल हो जाता है तो फिर लॉन्ग वीडियो अपना भाई व्लॉग टाइप का ही बनाने लगेंगे, तभी आपका चैनल अच्छा खासा पैसा देकर जाएगा, और उससे भी अच्छा खासा पैसा भाई स्पॉन्सरशिप वाला देकर जाएगा, ठीक है? मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में दोनों तरीका बताया था। तो यहां पे देखिए सेकंड नंबर पे 9:16 का रेशियो होगा, उस पे आप लोग को सेलेक्ट कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पे नीचे क्रिएट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोगों को क्रिएट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आज का ये वीडियो एडिटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आप लोगों को यूनिक तरीके से बताऊंगा ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो बच सके। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मीडिया का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को मीडिया पे क्लिक करना है और जो वीडियो डाउनलोड किया उस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने से आप लोगों को बैक जाना है, बैक जाने के बाद लास्ट पॉइंट पे लेकर जाएगा, तो एक बार डिस्प्ले पे टच करना है और इसको प्ले कर देना है। प्ले करते ही आप लोगों को वीडियो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 डॉट का आइकन दिखाई देगा, आप लोग को इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे डुप्लीकेट एज लेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 2 लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप लोग को फर्स्ट वाला लेयर जो ऐड किया उस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिप्लेस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोग को रिप्लेस पे क्लिक करना है, इमेज पे जाना और एक ब्लैक कलर का इमेज यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो टाइम है वो बचा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग लेयर डबल 2 बारी में ऐड करते हैं तो आप लोग को लेयर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये बढ़ा पड़ा है, मतलब यहाँ पे टाइम आप लोग का बच गया। अब दोस्तों नीचे वाला जो वीडियो का लेयर है उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करना इतना आप लोगों को टेक्स्ट के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद इसको इस तरह से जूम कर देना, देखिए इस तरह से जूम कर देना और इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर देना, देख सकते हैं इस तरह से एडजस्ट कर देना। अब आप लोगों को क्या करना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है और नीचे जाना, और यहाँ पे फिल्टर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोग को फिल्टर पर क्लिक करना और एक फिल्टर यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करते ये लाइट जो है जो वीडियो का ब्राइटनेस है वो बढ़ जाएगा, तो आप लोगों को इसको एडजस्ट करना इस तरह से, अपने वीडियो के अनुसार आप लोग एडजस्ट करिए, क्योंकि कोई वीडियो डार्क होता है कोई वीडियो ज़्यादा लाइट में होता है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब आप लोगों को बैक जाना है। बैक जाने में देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे जो वीडियो का साउंड उसको म्यूट करना है, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को वॉइस ओवर तो देना है, लेकिन जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना उसको भाई इसी वीडियो के अंदर से चॉइस करना है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में कि भाई मैं पहले एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं, अपने दूसरे चैनल पर अपलोड किया, कोई स्ट्राइक नहीं कोई क्लेम नहीं, ठीक है? उसी तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना, बैक जाना है। बैक जाने में एक बार मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखिए सबसे पहले प्ले कर देता हूं, यहां देखिए, अब देखिए यहाँ से बोलना स्टार्ट किया है, ठीक है? यहाँ से बोलना स्टार्ट किया है, यहाँ पे यहाँ थोड़ा और इधर कर देता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ से बोलना स्टार्ट किया है, यहीं पे आप लोगों को रोक देना है। रोकने के बाद आप लोगों को क्या करना है, कैंची पे क्लिक करना है और स्लिप कर देना है। अब दोस्तों इससे क्या होगा ना कि यहाँ पे ये जो साउंड है पहले वाला ये बैकग्राउंड म्यूजिक में ऐड हो जाएगा, और उसके बाद ये जब बोलने जाएगा यहाँ पे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये नो बोला ना, यहाँ पे देखिए यहाँ तक ये नो बोला, ठीक है? तो यहीं पे आप लोगों को रोक के फिर दोबारा कैंची क्लिक करना और स्लिप कर देना। अब ये 3 लेयर में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब 3 स्टेप में कन्वर्ट हो चुका है। तो इससे दोस्तों आप लोगों को क्या होगा कि जो आपका वॉइस ओवर है ना वो आसान तरीके से हो जाएगा। अभी देखिएगा कैसे, आप लोगों को इस पे बीच वाले पे क्लिक करना है जहां पे ये बोल रहा है, दूसरा कैरेक्टर बोल रहा है, और अभी जब बाद में ये दूसरा कैरेक्टर बोलेगा तब आप लोगों को दूसरा वॉइस करना है, मतलब अभी देखिएगा एक यूनिक तरीके से मैं आप लोगों को वीडियो एडिटिंग बता रहा हूँ। यहाँ देखिए डिस्प्ले पर
पहले टच कर देना, यहाँ पे REC का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोग को REC पे क्लिक करना है। क्लिक करने यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोग को भाई जब यहाँ पे वॉइस ओवर करिएगा तो जो आपका यहाँ माइक होता है ना, माइक की तरफ से इस तरह से करिएगा, ठीक है, दूसरे साइड से मत करिएगा, तभी आपका वॉइस ओवर जो है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो यहाँ देखिए भाई, क्या इसको तू खाएगा, बहुत ही मस्त है, इस तरह से आप लोगों को बोलना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला है भाई, यहाँ अभी मैं एक बार आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए। अब देखिए यहाँ से मैंने बोलना स्टार्ट किया, यहीं पे रोक देना है। रोकने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, नीचे जाना है, कैंची पे क्लिक करना और ट्रिम लेफ्ट कर देना है। अब ये फालतू का जो पार्ट है, जो मेरा भाई जहाँ से वॉइस ओवर होना स्टार्ट हुआ उसका जो फालतू पार्ट था उसको मैंने कट कर दिया। अब आप लोग को बैक जाना है, नीचे आना है, मिक्सर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोगों को मिक्सर पे क्लिक करना, 100 इसको 200 कर देना, अपना साउंड इंक्रीज कर देना, फिर इसको ऑन करना है, ऑन करने के बाद बैक जाना है। अब दोस्तों क्या करना है, इस वाले लेयर पे क्लिक करना और इसके स्टार्टिंग पे आना, इसी के स्टार्टिंग पे, और इसको क्या करना, इस तरह से यहाँ पे मिला देना, देखिए इस तरह से यहाँ पे मिला देना है। मिलाने के बाद अब देखिए दोस्तों आप लोग को क्या करना है, जो बीच वाला लेयर अभी भाई यहाँ पे दो स्टेप में बनाया है उसी पे जो बोल रहा है ये पहला कैरेक्टर, उस पर क्लिक करके नीचे आना है, मिक्सर पे जाना है और 100 इसको 0 कर देना है, इसको ऑन कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक स्टेप जो है उसको मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करके भी दिखा देता हूँ, तभी जाके आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ देखिए ये दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे बोलने जा रहा है, ठीक है, अभी देखिएगा। फिर दोबारा उसी प्रोसेस से REC पे क्लिक करना है और यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगा, इस तरह से आप लोगों को बोल देना है। बोलने के बाद आप देखिए यहाँ से मेरा वॉइस ओवर होना स्टार्ट हुआ, जहाँ से टेढ़ी लाइन होती है वहाँ से वॉइस ओवर होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को उसी प्रोसेस से मिक्सर पे जाना, 100 इसको 200 कर देना है, इसको ऑन कर देना है और फिर बैक आना है। बैक आने के बाद नीचे जाना है कैंची पे और ट्रिम लेफ्ट कर देना है, ये भी फालतू का पार्ट कट हो जाएगा। फिर दोबारा इस पर क्लिक करना, इसके स्टार्टिंग पे आना है और इसको यहाँ पे ऐड कर देना, इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से ऐड कर देना है। अब दोस्तों मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए भाई, क्या इसको तू खाएगा, बहुत ही मस्त है, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अब देखिए नो बोला है ना यहाँ तक, यहाँ पे क्या करना है, फिर दोबारा इस पे वीडियो पे क्लिक करना है, कैंची जाना और स्लिप कर देना है, और इसका भी जो साउंड है उसको इतना म्यूट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए म्यूट कर देता हूँ, अब देखिए ये नो बोल रहा है जहाँ वो मैं अपना आवाज किया हूँ, यहाँ देखिए नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगा, देखिए कितना बेहतरीन हुआ। अब देखिए ये बंदा इसके पास जा रहा है, फिर दोबारा इसके पास जा रहा है, अब इससे बोलेगा, एक बार आप लोगों को प्ले करके देख लेना, यहाँ देखिए। अब देखिए यहाँ पे ये बोलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से बोलना स्टार्ट किया, यहीं पे फिर दोबारा आप लोगों को क्या करना, रोक लेना है, फिर कैची क्लिक करना और स्लिप कर देना है। ये बीच का जो वॉइस ओवर वाला है ना उसका साउंड म्यूट नहीं करना आप लोगों को, फिर दोबारा यहाँ पे एक बार प्ले कर देना, यहाँ देखिए। अब देखिए ये नो कर रहा है ना, ये भी नो कर रहा है, ठीक है, ये इसका जब आएगा अभी थोड़ा बारीकी से स्किप करना, आप देखिए यहाँ पे यहीं पे रोक देना है, इतना रोक देना है, फिर दोबारा कैची क्लिक करना और स्लिप कर देना है। स्लिप करने और फिर दोबारा आप लोगों को इस पे क्लिक करना है, जो फर्स्ट कैरेक्टर बोल रहा है, नीचे जाना है मिक्सर पे, 100 इसको 0 कर देना है और इसका जो साउंड है वो म्यूट हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना, अपना साउंड यहाँ पे ऐड करना है, तो फिर डिस्प्ले पे टच करें, REC का ऑप्शन आएगा, आप लोगों को REC पे क्लिक करना है, फिर दोबारा स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, आप लोग को वॉइस ओवर देने का। अभी देखिएगा, क्या भाई तू इसको खाएगा, बहुत ही ज्यादा मस्त है ये। अब देखिए इसको यहाँ पे बोल दिए, बोलने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, फिर दोबारा इस पे आना है, यहाँ पे स्टार्टिंग पे आना है, इसके वॉइस ओवर वाले पे, फिर मिक्सर पे जाना है, 100 है इसको 200 कर देना है, इसको ऑन कर देना है। मैं दोस्तों स्टार्टिंग में आप लोगों को बहुत बारीकी से बताया हूँ, अब थोड़ा स्पीड में मैं बताता हूँ। देखिए जैसे कि इस पे क्लिक करना है, फिर दोबारा नीचे जाना है और कैंची पे क्लिक करना और ट्रिम लेफ्ट कर देना है। ट्रिम लेफ्ट करने के बाद फिर दोबारा इस वाले लेयर पे क्लिक करना है जिसका साउंड अभी म्यूट किए हैं। अब फिर दोबारा इसको क्या करना है, इस तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद इसके लास्ट वाले पॉइंट पे आना है, ठीक है। अब इस पे फिर दोबारा वॉइस ओवर पे क्लिक करना है उसी इक्वल पे, फिर नीचे जाना है कैंची पे और ट्रिम लेफ्ट कर देना। अब दोस्तों देखिए ये दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा है, अभी देखिएगा, ये देखिएगा। अब देखिए नो बोला ना, तो यही तक। अब देखिए 11 सेकंड का ये वीडियो हो चुका है, इसी तरह से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, ठीक है। मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर थोड़ा और आगे मैं बताऊंगा तो ये वीडियो जो है वो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं दो स्टेप और बता देता हूँ, यहाँ पे कैची पे क्लिक करना और स्लिप कर देना है, ठीक है। अब फिर दोबारा इस वाले लेयर पे यहाँ पे कैरेक्टर बोल रहा है, जहाँ पे कैरेक्टर बोल रहा है उसका साउंड म्यूट करना, और जहाँ पे वॉइस ओवर मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चला उसका साउंड म्यूट नहीं करना है, कोई क्लेम नहीं, कोई स्ट्राइक नहीं। अब देखिए यहीं पे क्लिक करना है, फिर दोबारा नीचे जाना है, मिक्सर पे 100 इसको 0 कर देना है और इसको ऑन कर देना है। ऑन करने तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे फिर दोबारा REC पे क्लिक करना। अब देखिएगा, अब यहाँ कहना नहीं 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 मैं भी नहीं खाऊंगा, अभी देखिएगा नहीं 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 मैं भी नहीं खाऊंगा,
इस तरह से आप लोगों को बोल देना है। अब बोलने के बाद देखिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पे फिर दोबारा आना। अब वो ऐसे ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि आपका वॉइस ओवर कहाँ से है। जहाँ सीधी लाइन होगी वो वॉइस ओवर नहीं हुआ होता है, जहाँ से टेढ़ा होना स्टार्ट होता है वहीं से वॉइस ओवर होता है। तो आप लोग क्या करना, फिर दोबारा मिक्सर पे जाना, अपना साउंड है तो इसको 100 से 200 कर देना, इसको ऑन कर देना है। फिर दोबारा बैक जाना, नीचे जाना है और कैंची क्लिक करना और ट्रिम लैप कर देना। दोस्तों इस तरह से कोई भी वीडियो एडिटिंग नहीं बताता है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई स्ट्राइक नहीं कोई क्लैम नहीं। अब आप लोग क्या करना, इस पर फिर दोबारा मिला देना है। अब दोस्तों क्या करना, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस पर क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप लोग जितना वीडियो का लेंथ रखना चाहते हैं इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते हैं। आप लोगों को भाई 5 मिनट से 10 मिनट लग जाएगा लेकिन आपका जो वीडियो भाई यूनिक तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना, ऊपर वाले लेयर पे क्लिक कर देना है, फिर कैचिप क्लिक करके ट्रिम राइट कर देना है और इतना वॉइस ओवर बढ़ रहा है इस पर भी क्लिक करना है, नीचे जाना है कैचिप पे ट्रिम राइट कर देना है। अब दोस्तों देखिए ये आपका ये जो वीडियो ना ये क्रिएट हो चुका है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज का कमी है। आप लोगों को लेयर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे लिख देना है मतलब फनी वीडियो, ठीक है। मैं इतना लिख देता हूँ फनी वीडियो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फनी यहाँ पे वीडियो, इतना लिख देना है। अब लिखने के बाद देखिए दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को इस तरह से यहाँ पे बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद इसको इस तरह से ऊपर ला देना, देखिए इस तरह से ऊपर ला देना है, ठीक है। ऊपर लाने के बाद इसको थोड़ा और मैं बड़ा कर देता हूँ इस तरह से, और फिर दोबारा इसको ऊपर कर देता। अगर हाथ से ऊपर नहीं हो रहा तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। यहाँ पे आप लोगों को ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और इस वाले लेयर को इस तरह से इसको इस तरह से स्क्रॉल करना है, देखिए इस तरह से बड़ा हो जाएगा। अब आप लोगों को बैक जाना है, बैक जाने के बाद नीचे आना है, फॉन्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, फॉन्ट पे क्लिक करना है, एंड्रॉइड पे जाना है, रोबोटो बोल्ड यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने थोड़ा सा मोटा और यहाँ पे जो हेडिंग है वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना, इस तरह से इसका लेंथ जो है इसको बढ़ा लेना है, देखिए इस तरह से बढ़ा लेना है। अगर आप लोग कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे नीचे जाना है कलर पे, कलर पे यहाँ पे आप लोगों को चॉइस कर लेना, कोई भी कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लैक पे व्हाइट अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब देखिए ये जो मेरा वीडियो ये क्रिएट हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं अपने चैनल का भाई यहाँ पे नाम ऐड करना तो वो भी कर सकते हैं, जैसे लेयर पे जाना है, टैक्स पे जाना है, और मेरे चैनल का नाम है सोनू पासवान, तो यहाँ पे मैं सोनू पासवान लिख देता हूँ। लिखने का क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे फॉन्ट यहाँ पे चेंज नहीं करना है, पहले तो आप लोगों को इस तरह से नीचे कर देना है, यहाँ पे थोड़ा और इस तरह कर देता है, और उसके बाद फॉन्ट पे जाना है, और रोबोटो है इसको आप लोगों को पतला ही रखना है, यहाँ रोबोटो लाइट पे कर देता हूँ, इसके बाद ओके कर देना। अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा ये लाइट में है तो आप लोगों को नीचे जाना, अल्फा का एक ऑप्शन दिखाई देगा, ओपेसिटी कोस्टेक में लिखा होगा, आप लोग को इस पर क्लिक करना, 100 है, इसको आप लोग को इस तरह से डार्क थोड़ा कर देना, ठीक है, थोड़ा धुंधला पल में दिखाई दे, अच्छी तरह से उन्ना ना दिखाई दे। अब आप लोगों को बैक जाना है, फिर इसका भी लेयर है, इस तरह से आप लोगों को बढ़ा लेना है, अपने वीडियो के अनुसार इसको बढ़ा लेना है। अब दोस्तों मैं एक बार आप लोगों को प्ले करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए प्ले करके। भाई क्या इसको तू खाएगा, बहुत ही मस्त है। नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगा। क्या भाई तू इसको खाएगा, बहुत ही ज्यादा मस्त है ये। नहीं 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 मैं भी नहीं खाऊंगा। देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे हो चुका। अगर आप लोग आईडियो यहाँ पे भाई बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड करना चाहते हैं तो आप तो उसके लिए आप लोगों को आईडियो पे क्लिक करना है, फिर नीचे जाना है, फोल्डर पे जाना और एक कोई भी यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लेना है। जैसे कि मैं ये वाला ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे दो जेपसी कहाँ गया, यहाँ पे ये वाला ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक का जो साउंड है उसको स्लो करना है, अपने साउंड के हिसाब से रखना है। तो मिक्सर पे जाना, 100 है इसको, आप लोगों को 25 या 20 या 30 पे आप लोग कर सकते हैं अपने वॉइस ओवर के अनुसार। अब आप लोग इसको ऑन कर देना। अब यहाँ पे मैं एक बार प्ले करके दिखा देते हैं, यहाँ देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे हो चुका है। अब आप लोग को इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को राइट साइड में एरो का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को एरो वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने से यहाँ पे देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पे भाई रेजुलेशन चॉइस करने के लिए बोल रहा है, तो FHD 1080 पिक्सल पे रख लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा हाई मत करिएगा ना ही ज़्यादा लो करिएगा। अब फ्रेम रेट 60 पे करना है और ब्राइटनेस आप लोगों को मैक्सिमम 13 या 14 पे कर लेना है। उसके बाद साइड में आप लोगों को सेव एज वीडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा और उसके बाद आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके भाई महीने के अच्छे खासे पैसे भी अर्न कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो अपने भाई को सपोर्ट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी वाले पे प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा बाय बाय।